नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को, जिसमें दोस्तों आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर एक। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको लागत दे रखी है और किराए 15% लाभ से बेचा जाता है। तो लागत मतलब देखिए, आपको सीपी जो है आपको दे रखा है कितना है, 26 रुपये है, और आपको दे रखा है लाभ परसेंट मतलब पी दे रखा आपको है कितना है, 15%। आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसे निकालने के लिए देखिए, हम आपको एक शॉर्ट का तरीका बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीपी होता है हमेशा कितना होता है, 100%, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 26 रुपये। ठीक है, 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 26 रुपये। किराया 15% लाभ से बेचा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एसपी इसका हो जाएगा 115%। ठीक, कितना होगा, 115% हो जाएगा, और 100% की वैल्यू है 26, तो 115% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हो जाएगा बराबर 26 × 115 अपान में कर देंगे यहाँ पर 100। हल करिएगा इसे, देखिए क्या करेंगे, 5 से काटेगा 5 × 2 = 10 बचाए 5 × 3 = 15। इसे 5 से काटेंगे, देखिए 5 × 2 = 0 इतना हो गया। और काटिए, देखिए 2 से काटेगा 13 बच जाएगा ये, और 2 से काटेंगे 10 बच जाएगा ये। तो आपका आंसर निकल के यहाँ पर आएगा, देखिए 13 × 3 = 39 का 9 हाथ से लगा 3, 13 × 2 = 26, 26 × 3 कितना हुआ 29, तो हो जाएगा 29। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 10, तो यहाँ से हटाएंगे 0 तो लगेगा पॉइंट, तो आपका आएगा 29.9 रुपये। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 29.90 रुपये उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 29.90 रुपये। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह एक भाग 7% के लाभ से और बाकी 17% के लाभ से बेचता है, वह पूरे पर 10% का लाभ करता है, वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है? दोस्तों पहले तो आप लोग अपने आप इस सवाल को लगाइएगा और उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दो भाग रखे हैं, भाग एक और दूसरा भाग। ठीक है, पहले भाग पर कितना लाभ है, 7% के लाभ से, तो देखिए एक भाग है, एक भाग इस तरफ लिखेंगे हम लोग, और दूसरा जो होगा वो लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, इस तरफ होगा दूसरा वाला और उस तरफ हुआ पहला वाला भाग। तो कह रहा है एक भाग में 7% के लाभ से, तो इधर 7% के लाभ से 7 लिखेंगे, और बाकी 17% के लाभ से बेचता है, एक तरफ 17% के लाभ से बेचता है। ठीक है, फिर कह रहा है वह पूरे पर 10% का लाभ करता है, तो पूरे पर होता है कितना परसेंट का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो हम लिखेंगे 10 को बीच में। बात समझिएगा, एक भाग में लिख लिया 7% तो मतलब 7 लिख दिया, बाकी भाग में 17 है तो मैंने 17 लिख दिया। अब कह रहा है पूरे पर 10% का लाभ करता है तो हमने लिख लिया 10 बीच में। अब आपको यहाँ पर इसका अंतर कर देना है, इसका अंतर करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 17 से 10 गए 7 बचेगा, यहाँ लिख लिया। अब इसका अंतर करिएगा तो देखिए 10 से 7 के बचेगा 3, इधर लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका बन गया ये क्या कि हमने ये माइनस किया है। ठीक है, तो आपका आ गया, इधर आया आपका 7, इधर आया 3, इसका अनुपात हो गया आपका 7:3, 7:3 हो गया है। पूछा गया वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है, 7% लाभ पर, इस तरफ देखिए कितना हुआ अनुपात है 7 इधर वाला, तो लिखेंगे 7 अपान में टोटल कितना हुआ 10, और गुणा कर देंगे हम लोग, चीनी कितनी थी 100 किलो चीनी थी, तो 100 से हम लोग यहाँ पर कर देंगे गुणा। अब आप हल करिएगा इसे, 0 से 0 जाएगा, और 70 मतलब 7 सामान कितना हुआ 70 किलो। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसके लिए ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इसमें आपको दे रखा है 70 किलो, तो 70 किलो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने दिन प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे? आपको यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है m1 h1 d1 बराबर m2 h2 d2। इस प्रकार से आपके लिए होता है एक फार्मूला, m1 h1 d1 बराबर m2 h2 d2। m का मतलब होता है आदमी, और h का मतलब होता है हावर माने घंटे, और d का मतलब दिन। ठीक है, इस तरह देखा है, और इसी प्रकार इस प्रकार से इधर हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको देखा है पहले 15 आदमी देखेंगे, 15 गुणा, फिर लिखा है 8 घंटे, तो 8 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, मतलब 10 दिन बनाते हैं। अब एक दीवार है, दीवार तो वही रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखो या 15 × 8 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो केवल 8 आदमी लिखा है कितने घंटे
प्रतिदिन काम करके, तो मान लेंगे एक्स घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे, तो गुणा कर देंगे 10 से। इस प्रकार से इतना हो जाएगा, 10 से आपका 10 कट गया, 8 से आपका 8 चला गया, तो आपका बचा है 15 बराबर एक्स। इस प्रकार से आपका यहाँ निकल के आ गया है। पूछा गया था कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, तो हो जाएगा यहाँ पर 15 घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपके निकल के आ चुका, क्या आ चुका है, 15 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो इससे पहले आप यहाँ मान लीजिएगा पुत्र की आयु। ठीक है, क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पर, हम मान लेंगे यहाँ पर पुत्र की आयु। तो देखिए माना पुत्र की आयु मान लेंगे, देखिए लिख लेते हैं हमने, माना पुत्र की आयु अगर मान लें हम एक्स वर्ष, तो पिता कितनी हो जाएगी, बात समझिएगा, पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, पुत्र से 5 गुना है, तो अगर पुत्र एक्स है पिता हो जाएगा 5 एक्स वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। फिर कह रहा देखिए 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, 15 वर्ष बाद, तो देखिए 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 15, पिता की हो जाएगी 5 एक्स प्लस 15। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 15 वर्ष बाद वह, मतलब कौन, व्यक्ति अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब पुत्र की आयु में हम 2.5 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए 2 दुनी 4 1 5, तो इसमें गुणा कर देंगे हम लोग 5/2 से पुत्र की आयु में। इस प्रकार से इनकी आयु दोनों समान हो जाएंगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इधर गुणा करेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5 एक्स प्लस का 15 अपना होगा 75 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे 2 5 हो जाएगा 10 एक्स प्लस का 15 दूनी कितना हुआ 30। इस प्रकार से आपका इतना हो गया है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 10 एक्स इधर है, आप 5 एक्स को भी उधर ले जाइए और देखिए 30 को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा आपका बचेगा यहाँ पर 45 बराबर 5 एक्स। ठीक है, इतना जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको सवाल अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्या हुआ 30 में इधर ले गया और 5 एक्स को उधर ले गया, तो यहाँ पर बचेगा 45, वहाँ पर बचेगा 5 एक्स, 5 से काट देंगे, 5 नेम होता है 45, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9 वर्ष। अब बात की गई पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की आयु पूछी गई और पिता की है 5 एक्स, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 9 अपना कितना होगा 45 वर्ष, तो पिता की आयु कितनी आएगी 45 वर्ष। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इसमें आपको दे रखा है 45 वर्ष, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हुआ है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं के बीच 3:4 है, अनुपात 2 आपका दे रखा है 3:4 और उनका योग 420 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे संख्याएँ वाले, अनुपात में दे रखा होता है तो हम उसमें एक्स लगा के संख्याएँ मान लेंगे, तो एक संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 4x, बात समझिए, एक हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 4x, उनका योग 420 है, तो इसका मतलब हुआ 3x प्लस 4x, योग का मतलब जोड़, ये हो गया 420। हल करेंगे हो जाएगा 7x = 420, 7 से काटेंगे 7×6=42, तो एक्स का मान कितना आ गया आपका, एक्स का मान आ गया यहाँ पर है 60। ठीक है, एक्स का मान आ गया 60। पूछा गया दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, एक देखिए एक्स का मान आया 60 तो संख्या निकालिएगा, एक संख्या है 3x, एक है 4x, पूछा गया बड़ी संख्या तो बड़ी हो गई 4x, तो इसकी वैल्यू निकालने में जाएगा 4 × x का मान है 60, तो 6×4=24, 240। ठीक है, 240 आ गया है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 240। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 240। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। आपको 3 संख्याओं में यहाँ पर अनुपात रखा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, एक संख्या हो जाएगी 3x, एक हो जाएगी 2x और एक हो जाएगी सिर्फ x। इस प्रकार संख्याएं हो गई, उनके योग का आधा 72 है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका योग करेंगे 3x + 2x + x, और योग का आधा कितना है 72 है, आपको ये कह रहा है। ठीक है, आगे हल करेंगे हो जाएगा 6x = 72 × 144, इतना हो गया। अब देखिए 6 से काट लेंगे, 6 से काट दिए, 6×2=12, 6×4=24, तो आपका आ गया है एक्स बराबर कितना आ गया है 24। देखिए एक्स का मान आ गया 24, यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या आपकी है 24। ठीक है, एक्स क्योंकि एक्स छोटी है और एक्स का मान है 24। अब यहाँ पर 24 का आपको निकालना है स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना आता होता है 576। ठीक है, 576 होता है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। कुछ लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे और ऑप्शन बी वाले को लगा देंगे, लेकिन पहले तो आप सवाल समझिएगा, सवाल में कह रहा है संख्या का वर्ग, तो वर्ग निकालना है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 576, तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा इसे। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 और 9425 रुपये है। 3 वर्ष और 5 वर्ष का आपको ये दे रखा है, यहाँ से आप 2 वर्ष का निकाल लें, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसका अंतर कर दें। देखिए 3 के लिए आपको दे रखा है कितना 8255 और 5 के लिए आपको दे रखा है कितना 9425। इसका अंतर कर देंगे यहाँ से तो आपका 2 का निकल आएगा, ठीक है। तो 2 का निकाल दीजिए, इसका अंतर निकालेंगे देखिए कितना होगा। 5 से 5 गया 0, 12 से 5 गया कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया बचा 1 और यहाँ 9 से 8 गया बचा कितना 1, तो आपका कितना आया 1170 आया, ठीक है। ये 2 वर्ष की आ गए, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज आ गया है, 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकल कितना आया है 1170 रुपये यहाँ पर निकल के आ गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष का आ गया तो आप 1 वर्ष का निकाल लीजिए, तो 1 का इसका आधा हो जाएगा। देखिए 2 से काट देंगे, 2 5 10 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 5 10, 1 वर्ष का आ गया है 585 रुपये। ये क्या है, ये आपका 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया है, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज तो यहाँ पर निकल के आपका आ गया है। और देखिए इसके आगे हम देखेंगे, अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना हुआ तो आप यहाँ पर 5 वर्ष का इतना था, देखिए 5 वर्ष का वाला था, ये 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो हम भी सीधा आपको दिया है, तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे, इस वाले में करिएगा। 5 55 25 का 5 हंस लगा 2, 5 48 40 तो 42 का 2 हंस लगा 4, 55 25 का कितना हुआ 29, तो आपका कितना हो गया है 2925। ये 5 वर्ष का ब्याज निकल के आ चुका है, ठीक है। ये क्या निकल गया है, ये 5 वर्ष का आपको देखा है ब्याज। और ये वाला जो देखा है, ये आपको 5 वर्ष का क्या देखा है, ये मिश्रधन, ठीक है। ये वाला है मिश्रधन, ये वाला है ब्याज। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से निकालिएगा मूलधन, ठीक है। मूलधन का मतलब पी निकालिएगा, पी बराबर निकालेंगे तो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 9425 से आपको 2925 घटाना पड़ेगा, तो पीछे तो 0 बचेगा। आगे देखिए 4 से 9 नहीं आएगा, हो गया 14, 14 से 9 गया बचा 5, 8 से 2 गया बचा 6। तो आपका यहाँ पर मूलधन निकल के आ गया है 6500 रुपये। बात को समझे होंगे आप लोग, यहाँ पर आपका मूलधन कितना गया है 6500 रुपये। और आपको 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना आया था, 1 वर्ष का ब्याज आपके निकालते हैं यहाँ पर, ये था 585, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज 585 और मूलधन कितना 6500 पूछा गया दर। अब इस सवाल को मैं हटा रहा हूँ, अब आगे बताऊँगा आपको लगा के सवाल कैसे लगेगा आगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक न रहिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो और दोस्तों अगर आपको रागा मैथ रीजनिंग या जीके के मॉक टेस्ट चाहिए हो तो हमारे चैनल पर लगभग 250 प्लस मॉक टेस्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप सभी मार्क टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पहुँचाइएगा, जिससे कि उन्हें भी इससे कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए आपको पी दे रखा है और 1 वर्ष का ब्याज रखा है, आपको निकालना है यहाँ पर दर। तो आप जानते हैं कि ब्याज बराबर साधारण ब्याज कितना है 585, लिखेंगे 585 बराबर मूलधन 6500 गुणा दर, दर निकालनी है। समय, समय दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है। तो समय तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वर्ष अपान में कर देंगे 100, इतना कर देंगे हम लोग यहाँ पर। अब इसके आगे देखेंगे तो देखिए 100 से तो आपका ये 0 0 कैंसिल होगा, 65 से आपको ये काटना है, ठीक है। तो 65 से काट लीजिएगा, 5 से काटेंगे देखिए 13 होता है 65, यहाँ 5 से काटेंगे 5 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
कितना आ गया आपका है 9%। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके लिए ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, जिससे कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का सवाल भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आने के लिए आ सकता है। इसलिए आप लोग इस सवाल को दोबारा लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सेमी के घन से 3 सेमी के आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए 6 सेमी के घन था और उससे 3 सेमी आकार के घन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 6 मतलब घन का आयतन बताना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन दोस्तों होता है भुजा क्यूब, ठीक है, मतलब क्या होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा 6, ये बड़ा वाला घन था, और बटे में कर देंगे छोटा घन कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3, और संख्या यहाँ से आराम से आपकी निकल आएगी, 3 एक 3 3 2 6। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी काटेंगे 2 बार जाएगा और यहाँ भी काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 दुनी 4 दुनी आपका निकल के आ गया 8। तो ऑप्शन इसके लिए डी वाला राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपके लिखा हुआ 8 घन काटे जाते हैं, ठीक है, तो 8 होगा राइट ऑप्शन डी वाला। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 0.1 + 0.0001 का मान क्या होगा। तो आपको लिख लें यहाँ पर 1, फिर लिखा है 0.1 तो उसे लिखेंगे 0.1, फिर लिखा है 0.1
01, फिर लिखा है 0.001, तो जुड़ेगा हो जाएगा 1.111। ठीक, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसके लिए, तो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, 1.111, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसके लिए। और देखिए इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16-24 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। किसका? 16 और 24 का। तो देखिएगा यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 8 16, और देखिए 2 6 8, और देखिए 2 2 4, और 2 1 2। यहाँ पर देखिए 2 1 2 4, और देखिए 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। देखिए आपको ये वाला काम मिल रहा है यहाँ पर है, तो 2 2 4 2 8, तो इसका मासा कितना हुआ, इसका मासा हो जाएगा यहाँ पर 8। तो आपको पहले देखना है 8 किस में रखा है, नंबर 1 पर 8 आपको किस में दिख रहा है वो आप देखेगा यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा ए वाले में। ठीक है, तो 8 ये वाला हो गया है। और अब पूछा गया था लासा कितना होगा, तो लासा निकालेंगे, तो देखिए 8 तो ये वाला हो गया कामन वाला, तो वो तो 8 लिख लेंगे हम, लिखेंगे 8 गुणा, अब 2 ये वाला 3 ये वाला लिखेंगे 2 गुणा 3, तो 8 2 16 3 48, तो 48 हो गया इसका लासा। तो 8, 48 ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, 8, 48। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये जो है आपका मॉक टेस्ट सॉल्व हो गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।